दोस्तों, क्या हाल? ठीक ठाक हो? तबीयत भी ठीक ठाक है, उम्मीद है जी सब दोस्त कह रहे हो। आज दोस्तों नया ड्राइवर हम बना रहे हैं जी, अलीम खान को। ठीक है ना, आज अलीम खान की जीत रही है, इसको ले जाएंगे शेख जायद रोड के ऊपर, देखते हैं इसके हाथ कांपते हैं, इसकी टांगे कांपती हैं। ठीक है ना, पता चलेगा कि ड्राइविंग कैसे करते हैं। ठीक है ना, अभी हम ऑन द वे हैं जी, जा रहे हैं, डेरा से निकल रहे हैं। ये देख लो सामने हयात एजेंसी। ठीक आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जी अभी हम जो है ना दोस्तों टनल में दाखिल होंगे, अभी टनल का जो है ना काम चल रहा है। ये दुबई का टनल है दोस्तों, इसके ऊपर से पानी गुजरता है जी, ब्रिज के ऊपर से पानी गुजरता है, हमेशा पुल के नीचे से पानी बहता है, इधर जो है ना ऊपर से बहता है। अभी ये टनल में हम दाखिल हो गए जी, अभी टनल का भी काम चल रहा है। ये लाइटें उधर, रात को बिजली नहीं है, इधर दिन में लाइटें चल रही हैं। अभी हम टनल से बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, निकल आए जी टनल के पास। टनल के पास जैसे निकलते हैं तो हमारे नई ट्रेन में जो है ना वो इन्फिनिटी ब्रिज और दूसरी ब्रिज जो है ना अभी जो न्यू बनी है, और साथ में शिप खड़े होते हैं जी, पोर्ट है जी, इधर बड़े बड़े शिप है, पैसेंजर शिप। अरे मैं वड़ा शिप छे कैन ओबा ओ कर किदो बड़ा है कि तो ये बड़ा शिप तो जो था वो लेंगे मेरे घर में, अभी ये दूसरा वाला आया हुआ है। अरे मिसा जी ड्राइवर का है, इधर उधर को नहीं देखता, ये नहीं है कि दुबई में सिर्फ जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो बस जी ख़त्म, गाड़ी भी चलानी पड़ती है दोस्तों, इधर बड़ी मुश्किल है रोड को फॉलो करना। ठीक है ना, इधर उधर देखना बहुत है, अलीम बहुत मुश्किल है, अलीम का आवाज़ नहीं निकल रहा, वैसे इसका आवाज़ जो है ना थोड़ा मोटा है और भारी है, जब ये बोलता है पता चलता है कि कोई बोल रहा है, अभी गाड़ी चला रहा है तो इसकी आवाज़ नहीं निकल रही। गला मेरा सूख गया, गला नहीं सूख गया, टांगे भी काम रही होगी इसकी। ठीक है ना, लग गए ना, बाकी जैसे तुम्हारे को आना चलाना आता है वैसे चलाओ बस। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अलीम जो है ना अभी मेन रोड के ऊपर चलेगा, शेख जायद रोड के ऊपर, फिर देखते हैं कैसे अलीम ड्राइविंग करते हैं। अभी जो हमारे सामने आ गया जी, वो सामने दुबई फ्रेम बस के उस तरफ दिखाते हैं आज आपको। ये जी दुबई फ्रेम दोस्तों, तबीयत भी दूसरा तीसरा दिन है सही नहीं है। ठीक है ना, अभी जाएंगे शेख जायद के ऊपर।
यहाँ के जी सामने एडिसलाद बिल्डिंग के ऊपर गेंद रखी हुई है, ये दुबई मेट्रो। वीडियो में हम आपको बुर्ज खलीफा की भी थोड़ी जो है व्यू दिखाएंगे दोस्तों। जी नहीं जी, इधर से ही ट्रैफिक है आज, ठीक है ना। ट्रैफिक दुबई की जो ट्रैफिक है दोस्तों, ये टाइम समझो अभी जो है ना दिन के इधर के 3:03 हो रहे हैं, अभी से ट्रैफिक जो है ना स्टार्ट है, ठीक है। ये अभी पता नहीं कहाँ तक जाता है। ये जी अलीम जो है ना शेख जायद रोड के ऊपर आ गया जी, आज देखते हैं इधर से ही कैसे इसकी ट्रैफिक है। यही मुश्किल है कि एक दफ़ा आपके दिल से घबराहट निकल जाए ना, डर निकल जाए कि मैं इसी ऐसी ट्रैफिक में जो है ना गाड़ी चला सकता, तो फिर उसके बाद आप कामयाब हो जाते हो जी, ठीक है ना। मेन मसला यही होता है कि कैसे कराते करनी है, कैसे रश में लाइन चेंज करनी है, ठीक है ना। अभी जो हम है ना शेख जायद रोड के ऊपर आ गए जी, यहाँ जो है ना देख सकते हैं हमारी लेफ्ट साइड में भी टावर है, ठीक है ना, और हमारे राइट साइड में भी टावर है। हमारी अभी हम जा रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में जो है ना वो म्यूजियम करके दुबई म्यूजियम, ठीक है ना, इसके अंदर जाएंगे इंशाल्लाह दोस्तों, जल्द जाएंगे, देखेंगे इसका जो अंदर का वो है ना व्यू देखेंगे दोस्तों। माशाल्लाह कैसे प्यारा है जी, और ये हमारे अलीम भाई गाड़ी चला रहे हैं जी। ये बिल्डिंग है ती जो अलीम देख के आया कि मैंने दुबई जाना है, दुबई जाना है, इतने बड़े टावर हैं इधर, ठीक है ना, बस मैंने दुबई घूमना है, उधर जाके मौज मस्ती करनी है, मौज मस्ती खा करने। 3 साल हो गए बेचारा इधर कभी किधर रुक रहा है, कभी किधर रुक रहा है, ठीक है ना। अरे मीटर पहली दफा आ रहे हो इस रोड के ऊपर? पहली दफा ड्राइविंग कर रहे हो जी इस रोड के ऊपर? अरे भाई इस रोड के ऊपर जो है ना पहली दफा ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी गाड़ी जो है ना पीछे पूरी खाली आज, हम अलीम को जो है ना मेन रोड के सैर करा रहे हैं। ये हमारे सामने अभी आ गया है कि ये कश्ती नुमा एक बिल्डिंग बनी हुई है जी, वो देखो शिप नुमा, ये जैसे बाहर दिख रहा है वैसे अंदर भी खूबसूरत है। अरे हम गए हो क्या इसके अंदर? हाँ देखा है, मेट्रो के ऊपर से जो ना पूरा व्यू इसका अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल वगैरह हर चीज़। अरे बोल रहे इसके ऊपर से जाओ तो मेट्रो के ऊपर तो इसका जो पूरा जो व्यू दिखता है जी। अभी हम जा रहे हैं जी बुर्ज खलीफा के पास से दुबई में, उनकी ब्रिज आपको ऊपर चढ़ेंगे तो उसका व्यू भी जो है ना दोस्तों के साथ आलम शेयर करते हैं। अभी शेख जायद रोड तो अलीम भाई ने ना क्रॉस कर लिया है, अभी बारी है जी अल खेल रोड के ऊपर, है अलीम अल खेल रोड के ऊपर, अल खेल रोड के ऊपर उसके ऊपर बहुत ट्रैफिक होता है भाई, बस दिल से एक दफ़ा खौफ निकल जाए तो फिर जो है ना आप इधर जो है ना दुबई में ड्राइवर बन सकते हो, क्योंकि इधर बहुत खौफ होता है दोस्तों, एक एक सेकेंड के ऊपर गाड़ी होती है, कुछ फासला भी नहीं होता, आदमी देख रहा देखे भी तो पता नहीं लगता, गाड़ी ब्रेक मार देती। ये देखो जी ये बुर्ज खलीफा,
रोड के सब हमने क्रॉस कर लिया जी। ये बोर्ड के ऊपर दोस्तों इधर देखो जी, कैसे खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। जैसे बुर्ज खलीफा क्रॉस करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो हमको राइट साइड में जो है दुबई मॉल मिलता है। ये दुबई मॉल, बहुत बड़ा है जी दुबई मॉल। मैं तब से आया हूँ 10-12 साल से, एक दफा अंदर गया था बस, उसके बाद नहीं जाना होता दोस्तों, टाइम ही नहीं मिलता इधर घूमने के लिए, काम 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 करता। ये दुबई मॉल, वो बहुत खलीफा नजर आ रहा है फिर आपको। ये ट्विन टावर है दोस्तों, इधर से दो दिखते हैं लेकिन है ये चार, जब उधर से आएंगे दो उस तरफ नजर आएंगे। जी ग्रास है रोड के ऊपर, कैसे माशाल्लाह कैसे कैसे ग्रास लगी हुई है जी। अब ये अलीम जो है ना अलखेल रोड के ऊपर दोस्तों आ गए, जो इस रोड को जानते हैं ना उनको पता है। ये हमारा समझो न्यू ड्राइवर है और हमारी जो है ना न्यू लोकेशन है आज। ओहो भाई कैसा लग रहा है भाई, निकल रही है पहली पहली दफा चला रहा हूँ एयरपोर्ट, पहली दफा चला रहे हैं अरीम भाई। वो भी समझो कार वगैरह नहीं, समझो ट्रक पिकअप चला रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। गोली की तरह गाड़ियाँ इसको क्रॉस कर रही है, ये जो है ना अभी देख रहा है कि मैं लाइन चेंज कैसे करूं। इसको समझा रहा हूं मैं वैसे कि अली मैं ऐसी गाड़ी चला रही, सीख जाएगा सीख जाएगा। तकरीबन 3-4 दिन इस रोड के ऊपर आएगा ना, ठीक है ना, तो सीख जाएगा। तो नहीं भाई हैंडल है कहाँ से पकड़ो भाई, नहीं जाती गाड़ी कहीं। तो ये ट्रैफिक भी बहुत जाते हुए जबल अली की तरफ बस की तरफ जाते हुए जी, रास्ते में जो है ना हमको बहुत ट्रैफिक मिल गई है दोस्तों, ठीक है ना। हमें पहुंचना भी था एक लोकेशन के ऊपर 3:30 बजे, अभी 3:15 हो रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं कोशिश करते हैं कि पहुंच जाए और इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक काम हो रही है, ट्रैफिक वाला काम हो रही है।
200 आदमी भी हम जो है ना एयरटेल के ऊपर या जो है कितने ट्रैफिक है, 3:24 जो है ना हमको इधर ही हो गया अभी तक, और स्टेशन पर हम पहुँच गए। तो अभी हमारे जो लेफ्ट हैंड में जी दुबई हिल्स देख सकते हो आप, दुबई हिल्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें मैंने बहुत सारे जो बिल्डिंग है ना, बहुत सारी बिल्डिंग की थी, सर्वा लाइट वगैरह दोस्तों, इधर डेली आना होता था। अभी भी ट्रैफिक, अभी हम पहुंच गए कि उम्मे सकीम एवे नंबर 18 के पास, लेकिन अभी भी हमारी जो है ना मंजिल नहीं है यार, इंसान गाड़ी चला रहे अभी भी बहुत ट्रैफिक है, लेकिन मौका भी नहीं मिलता जी, इधर ये नहीं है दोस्तों, गाड़ी चलाना के बाद सामने लाइसेंस ले लिया तो हम ड्राइवर बन गए, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है जी रोड को फॉलो करना, लगते हैं टाइम 1 महीना 15 दिन लगेंगे, बंदा डेली गाड़ी चलाए ना फिर ट्रेन हो जाता है, ठीक है ना। आजकल इधर बहुत ही बहुत मुश्किल है जी, गाड़ी लग जाए ठीक है ना, इंश्योरेंस वाले के पास जाओ बोलते आज आ जाओ कल आ जाओ, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। मेरी तकरीबन 1 हफ्ता पहले गाड़ी लगी थी, ठीक है ना, पीछे से एक बंदे ने कार डाली आराम से, बंदा टेढ़ा हो गया, एक छोटा सा इतना इतना डेंट हो गया, कल मैं उसके पास गया बोलते 4 दिन खड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, इतना सा डेंट है इतना पीछे, मैं आप दोस्तों को उसकी पिक्चर जो है ना इसमें लगा दूंगा, उसके पास के हमारे चैप वाले के पास, तो वो बोलता है 4 दिन लगेंगे इसको बनाने में। अल्लाह हू अकबर, बोला इसको 4 दिन लगेंगे बनाने में, 1 घंटे का काम है। बोलता है भाई हमारे लिए तो 4 दिन लगेंगे, अब 4 दिन गाड़ी खड़ी करना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो हम डेली के कमाने वाले हैं, ठीक है ना, अगर 100 रुपये भी डेली का लगा लो तो 400 दरम जाते हैं जी, इधर तो 50 दरम पूरी पूरी दिहाड़ी पर लोग काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने बोला भाई मैं 4 दिन गाड़ी नहीं खड़ी करूँगा, तो आप जरा मेरा बम्पर हो जो मेरी नई टूटी है ना वो मंगा के रख लो, वो भी मैं तुमसे नहीं लगवाऊंगा, मैं 20-30 दरम दे के ना किसी और से लगवा लूँगा। तो वो बोलता है चलो ठीक है, मैं बम्पर वगैरह मंगा के रख लूँगा हफ्ते वाले दिन, ठीक है, तो वो मैं आपको जरा लगा के दे दूँगा, उसके लिए मैं वो लगा दूँगा। लेकिन 4 दिन तुम तो इसकी बात करते, बोलता हमारा बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कहेंगे प्रोसेस जाए आपका भाड़ में, मुझे बस बम्पर लगा दो, बस बम्पर मेरी लाइट लगा दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा इतना लंबा जो प्रोसेस है ना वो नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए ना दुबई में इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो मतलब उन्होंने अपने गिराज बना लिया है, पहले ये होता था कोई गाड़ी लगती थी तो वो चेक बना देते थे कंपनी का कि भाई तुम खुद ही बनाओ जाके, ठीक है ना, कितने पैसे लगते वो हमें जो है ना एस्टीमेट दे दो, हम उनको एस्टीमेट दे देते थे, वो 150 काम करके ना तो वो दे देते थे पैसे, तो हम अपनी मर्जी से बनाते थे। वो तो 1 दिन का काम होता है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कम से कम 2 घंटे का काम है बस, ठीक है। तो दोस्तों इंशाल्लाह जो है ना हफ्ते वाले दिन जाएंगे, हम पर भी लगाएंगे और दोस्तों तक। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा था कि आज का जो है ना वो बच्चों फासला रखो, ठीक है ना, फासला रखो गाड़ी में, ठीक है, और गाड़ी को जो है ना तरीके से चलाओ, दूसरों को भी बचाओ खुद को भी बचाओ, ठीक है ना। पहले तो हम मतलब है थोड़ा वो कर लेते थे कि चलो यार उसने ठोक दिया पीछे से तो उसकी गलती है, ठीक है ना, कि हम कंपनी से बनवा लेंगे। अब कंपनी वाले जाओ तो वो बोलते हैं 1 दिन खड़ी करो, 2 दिन खड़ी करो, 4 दिन खड़ी करो, होता है कौन तो कितना काम है, घंटे 2 घंटे का काम है। तो भाई इसीलिए जो है ना हम लोग अभी बहुत डरते हैं भाई, ठीक है ना, एहतियात से गाड़ी चलाते हैं। इसलिए ये बात जो है ना मैं अलीम को भी बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना, तरीके से चलाओ गाड़ी, ठीक है ना, बस मारना नहीं है बाकी चलाते रहो, ठीक है ना। हाँ तो
कैमरों का भी खास ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो स्पीड लिमिट जो है ना वो भी बराबर रखनी है। अगर 100 का रोड है तो 100 के ऊपर जाओ, अगर उससे ज़्यादा है, अगर आपकी गाड़ी स्पीड मार सकते हैं तो आप मारो, ठीक है। 80 का रोड है 80 के ऊपर, 60 का रोड है 60 के ऊपर, कानून को फॉलो करो। ये बात जो है ना अलीम को आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अभी जो है ना रश भी कम हो गया है, ठीक है। तो आगे जो जैसे भी होता है दोस्तों के लिए एंड के ऊपर वीडियो दोस्तों के लिए बनाएंगे, ठीक है ना। अभी जो हम जो है ना अल खेल रोड ख़त्म होने वाला है, अभी हम जाएंगे शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के ऊपर, फिर जाएंगे हम जबल अली, फिर देखते हैं जबल अली के पास जी हमारा गेट पास बंद ने रेडी कर रखा है, ठीक है ना। ये रोड जो है ना बिशारा अल खेल जबल अली, अभी आ गए हैं हम शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के ऊपर। हर को कैसे अपने तरतीब में जो ना अपने लैन में चल रहा जी, कम से कम 7 पैक है। अभी अलीम गाड़ी भगा के जा रहा है, अलीम का कोई गाड़ी भी नहीं है। अलीम आप भी तो बात करो यार, ये तो बात कर रहा हूँ ना, खाली है ना इसलिए गाड़ी नहीं है। फिर भी कोई ना कोई गाड़ी जो है ना दोस्तों इधर उधर जा रही है, तो एक ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है। रोड खाली है, नहीं आराम मजे करना जो है ना अपनी मंजिल पे जाकर काम कर रहे हैं। कुछ दिन बाद अलीम बोलेगा चाचा ये ना मुझे दे दो, ठीक है ना, मैं ये ना करवा के गाड़ी चलाता हूँ, अभी मुझे सब कुछ दिखता है। ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये बन रही है दात रेल, कार्गो रेल। कार्गो रेल है, दात रेल है इसका नाम, इतिहास रेल की कार्गो जो है ना रेल का अलीम बता रहे हैं। अलीम ने जब रेल में बहुत काम किया है उसके साथ में कपिल शर्मा के साथ में, है ना। तो उसका नाम भी कपिल है ना, कपिल 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 शर्मा। ये जी ब्रिज के ऊपर का व्यू है जबल अली को जा रहे हैं हम, तो रोड ही रोड है दोस्तों। अभी फिर दोबारा हम शेख जायद रोड पे जा रहे हैं, अभी फिर शेख जायद रोड के ऊपर जाएंगे दोस्तों। वो जो सामने दिख रहा है नीचे अलीम के मुंह को क्रॉस करके शेख जायद रोड उधर जाएंगे, पेपर निकलवाएंगे जी कफ्तेरे के ऊपर, हमारा गेट पास जो है ना उधर आया हुआ है। उधर जो है ना वीडियो का इख्तिताम करेंगे दोस्तों, फिर कुछ सामान पहले से लेना है देना भी है, वो देखे फिर जो है ना वापस फिर बार भी आ जाएंगे चलो, जो हाँ महीना हो जाएगा 15-20 मिनट में इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी जो है शेख जायद रोड पे पहुँच गए थे, अभी आ गया जी अलीम को लेके जाऊंगा जी इंशाल्लाह, कल अलीम को ले जाऊंगा जी मैं अबू धाबी, ठीक है ना। उसके रोड के ऊपर ना इसको जो है ना भगवाएंगे गाड़ी, इसका डर निकलवाएंगे, डरता बहुत आले में। अगर किसी ने नहीं देखा दोस्तों शेख जायद रोड तो ये देख लो जी,
कितनी लेन है दोस्तों, आज इनके बताता हूँ मैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेन है जी, 6 लेन और 120 का रोड है। जो वो गाड़ियाँ जाती है ना, वो नहीं कितना जाती है। रेल जो है ना गोरी के ट्रा जा रहा है, इधर से आपको पता चलेगा। हमारे लेफ्ट साइड में आ जाता है जी जब का उपयोग 19 रेलवे का नाम है। पेपर दिए हमने, ये कफ्तेरा से निकाल रहे जी। अभी मैं खुद बैठ रहा हूँ जी, क्योंकि गेट पास मेरा जी, जा रहे हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।